भी पवित्रात्मा बड़े वेग से मेरे पास आया और मैं प्रभु का दास होने के नाते जो अभिषेक उसने मुझे दिया है उस अभिषेक से मैं आप लोगों के लिए आशीष मांगना चाहता हूँ। और कली से आप मेरे साथ हाँ और आमीन बोलना जब मैं वो आशीष बोलूँ। मेरे बेटों, मेरे बेटियों, मेरी बहनों और मेरे भाइयों, आज मैं प्रभु का दास होने के नाते हर एक शब्द, हर एक बात, हर एक विचार जो तुम्हारे विरोध में बोले गए हैं, जिसने तुम्हें गलत ठहराया, जिसने तुम्हें श्राप दिया और जिसने बोला कि तुम्हारे साथ कभी कोई अच्छा नहीं हो सकता, तुम अच्छे नहीं हो, तुम बुरे हो, तुम बेबस हो, लाचार हो, बीमार हो, नशेड़ी हो, तुम्हारा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, तुम्हारी शारीरिक दशा ठीक नहीं है, तुम्हारी आर्थिक दशा ठीक नहीं है, जो बाप दादाओं के श्राप, जो तुम्हारे बाप दादाओं के श्राप है वो तुम्हारे ऊपर हावी हो रहे हैं, आज मैं प्रभु का दास होने के नाते कलीसिया के साथ एक मन होकर उन सब बातों का खंडन करता हूँ। जितनी भी बातें तुम्हारे विरोध में, तुम्हारी आत्मा के विरोध में, तुम्हारे शरीर के विरोध में, तुम्हारी आर्थिक स्थिति के बारे में, तुम्हारे बच्चों के बारे में, तुम्हारे बारे में बोली गई है वो सही नहीं है, वो तुम्हारे ऊपर हावी नहीं होगी, तुम उसके चलाए नहीं चलोगे। जो भी मुद्दई नालिश तुम्हारे ऊपर करने की सोच रहा है, और यशाया भविष्यद्वक्ता कहता है अगर कोई भी अस्त्र शस्त्र तुम्हारी हानि के विरोध में बना है वो सफल नहीं हो पाए। जो भी बात बोली गई है, जो श्राप लाती है, जो गरीबी लाचारी बेबसी लाती है, जो अंधकार और मृत्यु लाती है वो सफल नहीं हो पाएगी, लेकिन यीशु का उद्धार हमारे जीवन में पूरा होगा और हाँ और आमीन में हम उसकी भेड़े हैं और उसके वायदे हमारे लिए हाँ और आमीन में पूरे होते हैं। हाँ और आमीन में पूरे होते हैं। बोलो मेरे साथ मेरे बच्चों, हम उन सब बातों का खंडन करते हैं, हम डिनाय करते हैं जो हमारे लिए बोली गई है, हम उनका खंडन करते हैं। जो यीशु ने बोला है उसको हाँ और आमीन में हम लेते हैं। आमीन, आमीन।